आज के वीडियो में हम यूपी पेट 2024 में भूगोल के अंतर्गत भूजल संसाधन इसके बारे में बात करेंगे। इससे एक प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा जल संसाधन के रूप में है। अगर इस 2/3 को अगर दूसरे रूप में देखें तो कुल जो उपलब्ध जल है उसका 97.20% समुद्री जल है या सागरीय जल है या खारा जल है। और इसमें केवल 2.80 ही मीठा जल है या जिसे अलवणीय जल कहते हैं, जो पीने योग्य अन्य दैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसका 2.80 में से 2.15 अर्थात इसका 75.2% 2.80 में से 2.15 ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में विद्यमान है, अर्थात आर्कटिक और मुख्य रूप से अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड जैसे जो बर्फ के घिरे क्षेत्र है उनमें इतना भाग उपस्थित है मीठे जल का। और केवल अगर भूमिगत जल की बात की जाए तो इसमें 0.62% भूमिगत जल के रूप में है। और यही भूजल संसाधन के रूप में टॉपिक इसमें दिया गया है। और जो शेष जल है, शेष जल नदी, झील, तालाब इत्यादि सतही जल के रूप में विद्यमान है। अगर भूजल संसाधन इसके अगर घनत्व, इसकी मात्रा की बात की जाए, घनत्व या मात्रा, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है यह पूरे पृथ्वी 8.4×10^6 किलोमीटर क्यूब इतना भूजल उपस्थित है, विद्यमान है। अगर राष्ट्रीय जल संसाधन के आंकड़ों की बात की जाए, राष्ट्रीय जल संसाधन जो सरकारी आंकड़े उसके अनुसार जो भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 4000 घन किलोमीटर होती है या औसत वर्षा होती है 137 सेंटीमीटर लगभग औसत वर्षा। 4000 घन किलोमीटर ये वार्षिक वर्षा है और इस वर्षा में जो हिमपात है उसको भी शामिल किया गया है। और औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 घन किलोमीटर है। अगर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात की जाए वो 2004 और 2010 के आसपास थी लगभग 1820 घन किलोमीटर भारत में, लेकिन वर्तमान में ये घटके रह गई है। वर्तमान की बात की जाए वर्तमान में ये लगभग 1250 घन किलोमीटर के लगभग रह गई है वर्तमान में, अर्थात प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट गई है। अगर भूजल संसाधन की बात की जाए, मुख्य रूप से भूजल संसाधन जिसे प्रश्न आने की संभावना है, भूजल संसाधन की बात की जाए तो भूजल संसाधन भारत में जो उपलब्ध है इस समय 432 घन किलोमीटर है।
अगर भूजल संसाधन परिभाषा की बात की जाए तो भूजल या ग्राउंड वाटर उसे कहते हैं जो वर्षा का जल जो पृथ्वी की सतह पर बरसता है, वो रिस रिस के अंतःस्रवण अंतःस्रवण की क्रिया द्वारा मृदा की इस पहली परत में पहुंचता है। पहुंचने के बाद इसके बाद नीचे ये मृदा की पहली परत, इसके बाद ये दूसरी परत होती है अब मृदा, इसमें पहुंचता है, इसे सब सॉइल कहते हैं। इसके बाद इसके इसके रिसने के बाद ये नीचे जो सॉइल परत होती है बेसिक सॉइल परत, इसमें पहुंचता है। सॉइल परत के बाद यह जल यहीं पे जमा रहता है भूमिगत जल के रूप में, जिसे जल भरा या एक्वा फायर भी कहते हैं। और अगर देश के पुनर्भरण पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन की बात की जाए, ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं भूजल संसाधन, तो अनुमान लगाया गया 434 बिलियन घन मीटर है। अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो इसमें से 361 BCM प्रतिवर्ष प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, अर्थात जो भूजल संसाधन है उसका लगभग 80% कृषि योग्य सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मुख्य रूप से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां ट्यूबवेल या बोरवेल की संख्या काफी अधिक है। और सिंचाई के बाद जो भूजल का जो विकास स्तर है भारत में, विकास स्तर लगभग 42% है। अगर राज्यों के संदर्भ में बात की जाए तो भूजल का जो विकास स्तर है सबसे अधिक हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में सर्वाधिक जल का दोहन हुआ है और यह लगभग 112% है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो भूजल का विकास स्तर है सबसे अधिक हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, जो जल का उपयोग किया गया है कृषि के मामले में, वो विकास स्तर लगभग 47% है। तो ये तो हुआ भूजल संसाधन, इससे एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है।